नमस्कार, मैं हूं आचार्य पी खुराना। इतनी बार प्रोग्राम दे चुके हैं, कुछ लोगों के ईमेल मेरे पास आए, कहते खुराना साहब दिशा और दशा तो अब बता दी आपने, घर के नंबर का कौन बताएगा। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जिनका जन्म किसी भी महीने की एक तारीख को, यानी कि डेट ऑफ बर्थ 1/10/1928 है, महीना उनका कोई भी है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन से मकान में रहना चाहिए और कौन से मकान में नहीं रहना चाहिए। पहली बात, ऐसे व्यक्ति को ऐसे मकान में नहीं रहना चाहिए जिसका जोड़ 6, 15 और 24 हो। जिसका जोड़ 8, 17 और 26 हो वहां भी नहीं रहना चाहिए। इस मकान में रहते ही उनका मकान बिक जाएगा, उनको नुकसान होगा। तो अगर आप इस मकान में रहते हैं तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन ऐसे व्यक्ति को किस मकान में रहना चाहिए जिसका टोटल, उनका टोटल भी 1 बनता हो मकान का, या उस मकान का टोटल 2 बनता हो, या उस मकान का टोटल 4 बनता हो, या उस मकान का टोटल 3 बनता हो, तो फिर आप उस मकान में रह सकते हैं। उस मकान में रहने के बाद आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जैसे पहले कह चुका हूं, अगर जिसका टोटल 6 या 8 है ऐसे मकान में रह रहे तो आपको नुकसान क्या होगा। पहली बात, 6 नंबर में रहते हैं, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानेगी, या आपका पति आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी बेटी आपकी बात नहीं मानेगी, आपकी बेटी अपनी मनमानी करेगी। अगर 8 नंबर में रहते हैं तो उस सूरत में आपको मदिरा पीने का शौक पड़ सकता है, आपको या आपके पिता को, या आपको शाम होती है 10 बंदे आपके घर में आ जाएंगे, ऐसा कार्य करेंगे कि आपको नुकसान उठाना पड़े। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, ये मकान तो जी ले लिया, आप क्या करें। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, शराब की एकदम छोटी बॉटल्स वो आपने कम से कम 4 लेनी है, और अपने बेडरूम में किसी एक कोने में उन 4 छोटी छोटी बोतलों को आप किसी तरीके से सजा दीजिए। और इसके साथ खुद शराब पीनी नहीं है, और लगातार शराब का दान या शराब का उपहार लोगों को देते रहिए। एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है। बाकी ये है, कुछ लोग जो 2/11/20/29 को पैदा हुए हैं, 3/12/21/30 को पैदा हुए हैं, 4/13/22/31 को पैदा हुए हैं, अगली डेट्स के बारे हम चर्चा करेंगे हमारे प्रोग्राम, हमारे इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़े रहिए, हमारे परिवार के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि एक बात बता दूं, दुनिया में हर चीज़ महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा उपाय आपकी ज़िंदगी में कमाल कर सकता है। एक मकान में रहते हो आपकी कोई बात नहीं मानता, वही लोग दूसरे मकान में रहते हैं आपकी सारी बात मानते हैं। तो ऐसे ही हम आपके घर के नंबर की दशा स्थिति आपको बताते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।